हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रवीण वाजपेयी अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद प्रवीण वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम के बारे में बहुत बड़ी अपडेट आई है। आरआरबी ने एक सर्कुलर जारी किया है जिसके माध्यम से उन्होंने अपना 100 डेज़ का प्लान बताया है कि 100 डेज़ में वो क्या क्या करने वाले हैं। तो आइए देख लेते हैं क्या है सर्कुलर और कब तक हमारा एनटीपीसी का एग्ज़ाम होने वाला है। तो सबसे पहले आपको स्क्रीन पे एक नोटिफिकेशन दिख रहा होगा जो कि वेस्टर्न रेलवे की तरफ से आया है 20 जून को। इसका सब्जेक्ट क्या है हम लोग पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है एक्शन प्लान फॉर 100 डेज इश्यूड बाय एस्टेब्लिशमेंट डायरेक्टरेट। मतलब यहाँ पे इस नोटिस में आरआरबी ने ये बताया है कि 100 डेज में वो क्या क्या करने वाले हैं उसके बारे में आपका ये नोटिस आया है। इस नोटिस का अगला पार्ट भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा जिसमें पहला पॉइंट दिया हुआ है फिलिंग अप ऑफ सेफ्टी कैटेगरी वैकेंसी। मतलब जो पहला पॉइंट है वो वैकेंसीज़ को फिलअप करने के बारे में दिया है कि 100 दिन के अंदर आरआरबी किन किन वैकेंसीज़ को भरने वाला है। उसमें ए पॉइंट में दिया हुआ है लेवल 1 रिक्रूटमेंट कंप्लीशन एंड प्लेसमेंट ऑफ कैंडिडेट ऑफ CEN 2/2018 रिक्रूटमेंट। नंबर ऑफ वैकेंसीज़ कितनी है 63,202। मतलब इन्होंने ये बताया है कि आपकी जो लेवल 1 की 2018 में जो 63,202 वैकेंसी आपकी ग्रुप डी की निकली थी उनमें जो भी बच्चे फिजिकल और मेडिकल के बाद क्वालिफाई हुए हैं उनको प्लेसमेंट दी जाएगी उनके जोन्स में। मतलब उनको प्लेस कर दिया जाएगा, उनको ड्यूटी दे दी जाएगी। तो पहला काम जो है आरआरबी की तरफ से ये किया जाएगा 100 दिन के अंदर। दूसरा पॉइंट इन्होंने बी पॉइंट में क्या दिया हुआ है, इन्होंने बोला है कि इश्यू ऑफ पैनल फॉर ALP एंड टेक्नीशियन। नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है 64,371। अभी पिछले मैंने जो ALP और टेक्नीशियन का रिजल्ट आया है उसमें जितने भी बच्चों ने क्वालिफाई किया है उनको पैनल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, पैनल इश्यू कर दिया जाएगा इन 100 दिन के अंदर। मतलब 100 दिन के अंदर आपका ग्रुप डी के जितने भी लोगों ने क्वालिफाई किया है उनको प्लेसमेंट दे दी जाएगी। दूसरा पॉइंट क्या किया जाएगा कि ALP और टेक्नीशियन में जो भी बच्चे क्वालिफाई किए हैं उनको पैनल इश्यू कर दिए जाएंगे। तीसरा जो सी पॉइंट इन्होंने दिया है वो उसमें बताया है ALP फ्रेश रिक्रूट्स ट्रेनिंग स्टार्ट्स इन ऑल जोन्स। मतलब ALP में जितने भी बच्चों ने क्वालिफाई किया है उनको सभी को ट्रेनिंग्स उनकी स्टार्ट कर दी जाएगी इन 100 दिन के अंदर। चौथा जो पॉइंट इन्होंने बताया है वो ये बताया है कि डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ फर्स्ट स्टेज CBT फॉर JEE एग्ज़ाम। पोस्टें कितनी थी 13,561। अभी जो पिछले महीने JEE का एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ है 13,561 पोस्टों के लिए उसके CBT 1 का रिजल्ट इन 100 डेज़ के अंतर्गत आ जाएगा। फिर पॉइंट नंबर 2 में इन्होंने ये बताया है कि होल्डिंग ऑफ CBT फॉर रिक्रूटमेंट इन पैरामेडिकल कैटेगरी नंबर ऑफ वैकेंसी 1937। मतलब CBT कराया जाएगा आपका पैरामेडिकल स्टाफ्स के लिए, जो 1937 वैकेंसी निकली थी उनका आपका CBT का एग्ज़ाम कराया जाएगा। तो वैकेंसीज़ के बारे में इतनी डिटेल दी गई थी। उसके बाद तीसरे पॉइंट में इन्होंने ये बताया है कि एम्प्लॉयज़ कैरियर एडवांसमेंट, मतलब जो भी रेलवे में वर्क करते हैं एम्प्लॉयज़ उनको क्या क्या सुविधाएं मिलने वाली हैं, तो उसके बारे में कई पॉइंट दिए हुए हैं वो आप पढ़ सकते हैं। फिर अगला पॉइंट है डाटा मैनेजमेंट इम्प्रूवमेंट, वो भी आपसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं है। फिर अदर्स दिया है, तो पूरी फाइल है आप पढ़ सकते हो। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके लिए वो पहला और दूसरा पॉइंट है। इन 100 दिन के अंदर आरआरबी क्या काम करने वाली है मैं आपको एक बार फिर ब्रीफली समझा देता हूँ। तो इन 100 दिन के अंदर पहला जो काम करेगी आरआरबी वो ग्रुप डी में जितने भी बच्चों ने क्वालिफाई किया है उनको प्लेसमेंट कर दिया जाएगा, मतलब उनको ड्यूटी दे दी जाएगी। दूसरा जो काम होगा वो ALP और टेक्नीशियन में जितने भी बच्चे क्वालिफाई हुए हैं उनको पैनल इश्यू कर दिए जाएंगे। तीसरा ALP में जितने भी बच्चे क्वालिफाई हुए हैं उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी जाएगी। चौथा जो पॉइंट इन्होंने बताया है कि जो JEE का एग्ज़ाम हुआ था CBT 1 उसका आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा इन 100 दिन के अंदर। और दूसरे पॉइंट में इन्होंने ये बताया कि पैरामेडिकल स्टाफ्स की जो 1937 वैकेंसी निकली थी उनका आपका CBT का एग्ज़ाम कराया जाएगा। यहाँ पे जो भी 100 दिन का प्लान आपका आरआरबी के द्वारा दिया गया है उसमें कहीं पे भी आपका NTPC एग्ज़ाम के बारे में डिस्कस नहीं किया गया है कि आपका कब उसका CBT 1 कराया जाएगा। तो अगर हम यहाँ से अनुमान लगाएं तो जहाँ जब से ये सर्कुलर आपका जारी किया गया है तो यहाँ से अगर हम 100 डेज़ काउंट करें तो लगभग 12 सितंबर के बाद का ही टाइम आता है। तो हम ये कह सकते हैं कि 12 सितंबर तक आपका जो RRB है वो NTPC का
कोई भी एग्ज़ाम नहीं कराने वाली है, मतलब जो नई जो NTPC और ग्रुप डी की वैकेंसी निकली है उनसे रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो भी NTPC का एग्ज़ाम होगा वो 12 सितंबर के बाद ही हो सकता है। ये बहुत बड़ी अपडेट थी आपके बारे में। तो आपके पास अभी लगभग 100 से 110, 120 मतलब हम समझ सकते हैं कि लगभग आपके पास अभी 3 से 4 महीने का टाइम है, बहुत अच्छा टाइम है। अगर 100 दिन का तो अभी प्लान है जिसमें कोई भी डिस्कस नहीं किया है NTPC एग्ज़ाम के बारे में, तो हमें मान सकते हैं कि 100 से लेकर के 120 दिन का आपके पास टाइम है। तो 120 को अगर हम मंथ में डिवाइड करें तो लगभग आपके पास 4 महीने का टाइम है। तो आप अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन करिए। आपके लिए बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन थी, मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। चैनल पे इसी तरीके से बने रहिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में पहुँचे।